इस वक्त की बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड की चमोली से, जहां चमोली के रैनी गांव में एक बार फिर से धौली गंगा का जलस्तर बढ़ने से अफरा तफरी मच गई है। पानी बढ़ने की खबर मिलने के बाद तपोवन में राहत और बचाव का काम फिलहाल रोक दिया गया है, इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तपोवन के आसपास 500 मीटर के दायरे में आने वाले इलाकों को फिलहाल खाली करवाया जा रहा है। आसपास के लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। राहत के काम में लगे जवानों को भी सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। इतना ही नहीं, खतरे की आशंका को देखते हुए राहत के काम में लगाई गई मशीनों को भी हटाया जा रहा है। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें न्यूज 18 पर, किस तरीके से वहां अफरा तफरी और उसके बाद रेस्क्यू के काम को रोक दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि वो 500 मीटर के दायरे से अलग चले जाएं, सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। यहां तक कि जवानों को भी यह कहा गया है कि वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है ऋषिगंगा में। जलस्तर के बढ़ने से ये अलर्ट फिलहाल एहतियात के तौर पर, और इस वक्त अफरा तफरी का माहौल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू काम को फिलहाल रोक दिया गया और ये सलाह दी गई है कि जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, चाहे उसमें एनडीआरएफ के जवान हो, आईटीबीपी के जवान हो, एसडीआरएफ के जवान हो, जो रेस्क्यू में लगे हुए थे, उनको भी ये कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर ऊपर की तरफ आगे बढ़ जाएं, क्योंकि पानी बढ़ने की जानकारी कॉल, उसके बाद ये हाई अलर्ट। देखिए, इस वक्त रैनी गांव में हम लोग मौजूद हैं। ये वही गांव है जहां पर ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा था। तस्वीर आपको दिखाते हैं, तमाम लोगों को हटाने की यहां से कवायद शुरू हुई थी थोड़ी देर पहले, और अब सबको हटा लिया गया। ये तमाम टीमें आप देख रहे हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीआरओ की टीम जो लगातार ब्रिज बनाने का काम कर रही थी, सबको हटा दिया गया है साफ तौर पर। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले डीएम ने कहा है कि एक अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया पूरे इलाके में, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा काम जो है बंद हो गया है। रैनी गांव में हम मौजूद हैं और यही पहला स्पॉट है। इसी स्पॉट पर पहले जो हम तबाही का जो मंजर हमने देखा था, वो यहीं से शुरू हुआ था। और वही जो गाँव है, पास के जो गांव हैं, वो गांव सारे कट गए हैं, उनके पुल तो हैं टूट गए हैं, 2 से 3 पुल टूटे हैं, 2 डैम टूटे हैं। ये तमाम तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा काम रुक गया। ये देखिए, तमाम जो बीआरओ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो देखिए, सबको ऊपर कह दिया गया कि आप ऊपर की तरफ रहिए, नदी के किनारे की तरफ कोई नहीं रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले रेस्क्यू टीम्स नीचे काम कर रही थी नदी के किनारे, लोगों को तलाशने का काम किया जा रहा था। लगातार ये काम चल रहा है, मलबा हटाने का काम चल रहा है, सड़क बनाने का काम चल रहा है, लेकिन ये सब तमाम काम जो है रोक दिया गया है। यहाँ पर देखिए, लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, वो भी बंद कर दिया गया है। अब इनको हटने के लिए कहा है, तो इसलिए ये सब हटाया जा रहा है। तो तमाम लोगों को हटने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले एसडीएम भी आई थी, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर अलर्ट है, आप लोग भी दूर सुरक्षित जगहों पर फिलहाल चले जाइए। जो शुरुआती खबर मिली है उसके मुताबिक ये कि चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटने की जानकारी मिली है, जिसके बाद जो है वो इस तरीके की स्थिति बन गई है। तो ये आप लगातार देख रहे हैं रैनी गांव की तस्वीर, जहां पर इस तरीके की स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है सभी लोगों को। इट इज जस्ट अ कॉल, तो अभी हम लोग कॉल के अनुसार ही वो कर रहे हैं। ये अभी थोड़ा इधर कर लिया सब। क्या कॉल आई है मैम? लोग कह रहे हैं कि पानी बढ़ा है, लेकिन वी हैव नॉट येट ऑथेंटिकेटेड। तो आप सभी लोगों को तो ऊपर बुला रहे हैं, तो हाँ, तो बुला रहे हैं क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सो वी आर जस्ट टेकिंग प्रिकॉशन। ठीक है, दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, दिखाई जरा वहां पर इस वक्त क्या हलचल। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा गायत्री, यहाँ पर जो है पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको रोका गया। आप देख सकते हैं सामने जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है, उत्तराखंड पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरी मीडिया समेत जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करने वाली मशीनें थी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ जो दूसरे जवान थे, सेना के थे, सभी को यहाँ पर से हटा दिया गया है। जो क्रेन अंदर काम कर रहे थे उनको हटाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा यहाँ पर पसर चुका है। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो यहाँ पर टीमें थी, लगभग अफसर थे, सभी जवान थे, सभी यहाँ से दूर चले गए हैं। और आपको मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा, वो ऊपर पहाड़ी देखिए, यहाँ पर पूरा जो जवानों का जमघट था, ये सब यहाँ से हटा दिए गए हैं। एहतियातन ये सब इसलिए किया गया क्योंकि ये बताया गया था कि पीछे से जो है पानी बढ़ा है, लेकिन अभी तक, हालांकि अधिकारियों के मुताबिक अभी भी अलर्ट की वजह से सभी को एहतियातन रखा गया है। ये देखिए, मैं पानी दिखाना चाहूँगा, अभी यहाँ पर पानी वाकई में बढ़ा है, क्योंकि धौली गंगा नदी के सामने मैं खड़ा हूँ और इसी नदी पर 7 फरवरी को जो है वो सैलाब आया था, और उसके बाद उसने पूरा यहाँ पर तहस नहस कर दिया था। और अभी ये पानी बढ़ा हुआ है, और आप देख सकते हैं इस पानी की स्पीड में, ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2.5 से 3 फीट ये पानी जो है वो बढ़ चुका है। यानी जब धीरे से पीछे पीछे से जो पानी आ रहा है रैनी गांव की तरफ से, तो वहाँ से ये पानी बढ़ते हुआ रहा, लेकिन कब तक ये पानी कितना बढ़ेगा अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। लेकिन एहतियातन यहाँ पर सभी को दूर रखा गया है, जब तक अलर्ट जो बहाल नहीं किया जाता तब तक किसी को आगे जाने की परमिशन नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने सभी को रोका हुआ है। पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। एनडीआरएफ के 2-4 जवान यहाँ पर जरूर होंगे, लेकिन सभी
रिस्पांस सिस्टम है, उनका मॉक ड्रिल करते हैं यहाँ पर, और मिनिमम आध घंटा तो चाहिए हमको किसी भी जगह से भागने। अगर इंसान भागता भी है तो 500 मीटर भागना है तो उसको भागने के लिए समय चाहिए। इस टेरेन में हम कहीं भी छेद करके उसको एक्सेस करने का जगह नहीं दे सकते। ये तो ऐसा कठिन कार्य है जो हम करने जा कर रहे हैं, उसमें इतना जोखिम तो रहता ही रहता है। यस, जितने भी हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे थे और जो काम कर रहे हैं सभी कुशल हैं। उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही उनको अंदर लिया जाता है। उसके बाद में हम उनको बीच बीच में ट्रेनिंग देते हैं, पेप टॉक करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दिया करते हैं। जो भी इक्विपमेंट चलाते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेट होते हैं, लाइसेंसेज होते हैं। तो जो भी क्रू काम कर रहा था ये पूरी तरह के कुशल था, सक्षम था, और हमारे उसके जो सुपरविजन होता है वो हमेशा डायरेक्शन में चलता है। जो हमारे संविदा के जो लोग हैं उनके जो इंजीनियर्स हैं वो भी उनको सलाह देते हैं। और काम करने के पहले 9 बजे पेप टॉक होती है, जो काम करने जा रहे होते हैं उनके जोखिम के बारे में बताया जाता है, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। इसका हमारे पास प्रमाण है, आप उसको ले सकते हैं। आप मुझे बताइए मड कहाँ तक गया, मड कहाँ तक गया टनल के अंदर? देखिए अरे एक मिनट इधर से, आप तो इतनी देर से, आप मुझे ये हमारा सवाल है कि आखिर ये ऑपरेशन इन्हीं मशीनों से चलेगा या आप कोई लेटेस्ट मशीन ला रहे हैं? देखिए अगर आप पहले उस समस्या को समझें, सब लोग आप समझदार हैं, 4 दिन से यहाँ पर हैं, 7 तारीख से लेकर 11 तारीख 4 दिन हुए हैं, 5 नहीं हुए हैं, तो कृपया इसको सही करें, इसमें सेंसेशन ना फैलाएं। 4 दिन के दौरान आपने देखा कि पानी जो पहले पानी आ रहा था सडनली 40 मीटर ऊपर उठ गया, रिवर का कोस्ट 15 मीटर ऊपर उठ गया है। सुनिए, जो आपका पानी और टनल का लेवल एक है, पानी भर के पूरा अंदर टनल के अंदर भर चुका है, ठीक है। इसको खाली करने के लिए हमें जो प्रयास करने हैं, जो हमारे इक्विपमेंट लग सकते हैं, टनल के अंदर एक्सकेवेटर ही लगेगा, जो पानी आ रहा है तो पंप लगेंगे, पंप की तैयारी है, एक्सकेवेटर की तैयारी है। पीछे जगह हमने जब भी जैसे ही ये घटना घटी तुरंत ही हमने रेस्क्यू टीम आई एडमिनिस्ट्रेशन से, 2 घंटे के अंदर सारे लोग आ गए, SDRF आया, जो बचा सकते थे उनको बचाया गया इमीडिएटली। जो टनल में थे 12 लोग, उनका पूरे टनल का मुंह बंद हो गया था, किसी तरीके से सारे लोगों ने, सारे रेस्क्यू टीम ने पहाड़ों से उतर के वहाँ तुरंत ही वहाँ छेद करके उनको 12 लोगों को बाहर निकाला। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग तैयार नहीं थे या कोई उसमें व्यवधान हुआ, उस कोई डिले हुआ। लगातार एक चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि रोज कितना कोई मड बाहर निकाला जा रहा है, कितना मड है। देखिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, नदी लगातार हमारे टनल से जुड़ चुकी थी, टनल के थ्रू नदी बह रही है, टनल के बाहर भी नदी बह रही है। अगर हम टनल के नीचे से जब भी हम मक निकाल रहे हैं वो पानी के साथ मक टनल के थ्रू भी आ रहा है, ठीक है। तो जितना भी हम मक निकाल रहे हैं, कितना निकाल पाए, कितना मीटर अंदर जा पाए? देखिए इसका तो हम अगर आप 7 दिन लिखें, 20 घंटे 24 घंटे से स्कैनिंग की गई थी, कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ है क्या, कुछ स्कैन करके उसमें निकला है कुछ, उसकी आपके पास रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कोई जो रिलीफ का काम चलाया जा रहा है? उसी के उस जो मैं देखा NGRI के द्वारा ये काम किया गया था, आप लोग देखे होंगे। जी जी, उसका जो स्कैन इमेज आया था उसके ऊपर हमने अपना टनल का कोरिलेट करके उनको भेज दिया। देखिए सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का एक लिमिटेशन होता है, इनका क्या लिमिटेशन है, पहाड़ी में एक सर्टन डेप्थ तक ही ये करेक्ट वैल्यू दे पाएंगे। अभी हमारा टनल कैसा है, टनल है इधर से उधर तक ऊपर नीचे जा रहा है, पहाड़ी का हाइट वेरी कर रहा है, जहाँ पर भी वो 15 मीटर का डिफरेंस हो जाता है उसमें कितना करेक्टली हो पाएगा और नहीं हो पाएगा वो कोई जानता नहीं। फिर भी हम लोग कोशिश किए थे, डायरेक्टर ऑफ NGRI से मैं पर्सनली बात किया था परसों रात को, उनका जो रिपोर्ट आया था उसके ऊपर हमारा रिपोर्ट मिला कि अभी काम चल रहा है, उसमें ऐसा अभी तक तो कुछ लगा नहीं कि कुछ कन्फर्मेटिव हम लोग बोल सकते हैं, बट दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज वी आर डूइंग ऑल फ्रंट, ये भी हम कर रहे हैं, सारों फ्रंट पे काम हो रहा है। मैं दिल्ली से इधर बैठा हूँ, माय चेयरमैन इज सिटिंग इन दिल्ली, ही इज आल्सो सॉर्ट ऑफ ए कंट्रोल रूम एंड वी आर वर्किंग इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। सर आप लोग देख ही रहा है, अब एक आगे का एक ही प्लान है, अभी राइट नाउ फॉर मी आई एम लुकिंग एट द बर्ड साइड रेस्क्यू। रेस्क्यू का साथ साथ हमने आपको बोला 2 और फ्रंट पे हम लोग काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नदियाँ अभी थोड़ा नीचे गए हैं, इससे पहले जाने का संभावना था ही नहीं,
कल दोपहर को हम इंस्पेक्ट करने के लिए गए थे उधर, जब देखा ये नदी थोड़ा सा नीचे जाने का संभावना है, हमने इमीडिएटली दोनों फ्रंट पे एक्सकेवेटर लगा के चालू कर दिया। आप लोगों को सेंटर से या कहीं और से कोई मदद चाहिए, क्योंकि तमाम राज्य जो है आप लोगों की तरफ देख रहे हैं और वहाँ मदद के लिए कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को जरूरत है तो मदद के लिए तैयार है। जितना मदद हमें चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा ही बोलूंगा मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमें मिल रहा है। सर एक चीज बताइए, जो टनल मट गया उसके अलावा कुछ टनल्स ऐसी हैं जहां खाली हो सकते हैं, जहां बचने के चांसेस हैं, कोई टनल्स ऐसी हैं, डिजाइन ऐसा है कुछ इससे? वन क्लियर क्वेश्चन ऑन दैट पार्ट ओनली, एनी होप ऑफ सर्वाइवल? जैसे मैडम गवर्नर मैडम ने बोल के गई हैं, वी ऑल प्रे टू भद्र विशाल भगवान दैट हमें मिल जाए, इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। मैं टेक्निकल बंदा हूँ, आई विल नॉट हैजर्ड एनी गेस, आई विल ओनली डू माई जॉब। सर जिस दिन ऑपरेशन शुरू हुआ था उस दिन बताया गया था कि ऊपर के टनल में 180 मीटर के बाद राइट साइड में पॉसिबिलिटी है लेबर वहाँ से। कल ऑपरेशन जो ड्रिल करके शुरू किया गया, बताया गया कि एसएफटी में नीचे लेबरर्स हैं, तो एग्जैक्टली लेबरर्स हैं कहाँ पे, ऊपर वाले टनल में कि नीचे वाले टनल में, और ये कन्फ्यूजन क्यों है सर? देखो कन्फ्यूजन कम्युनिकेशन मैं आपको क्या? नहीं नहीं कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ऐसा है टनल तो ऐसे जाके ऐसे आए हैं और कुछ टनल सीधा चल गए, आप लोग तो खुद टीवी में देख चुके हैं। अभी लेबरर के पास जब उसका यह आ गया, जब देखा कि पानी आ रहा है मक आ रहा है, वो क्या बिहेव किया वो ना आप बोल पाएंगे ना हम बोल पाएंगे। अंदर तो पिच डार्क हो गया होगा क्योंकि बिजली तो चला गया इमीडिएटली, अदरवाइज तो मेरा सारे बिजली फिजली में दिया हुआ रहता है, हम खुद कितना बार गए ये तो डेली जाते रहते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है, लेबरर कहाँ गया, किस जगह में गया, वो तो हम बोल नहीं पाएंगे। हम केवल ऐसे ही कर सकते हैं उसके नज़दीक पहुँच के ट्राई कर सकते हैं कि उधर कहाँ से उसको निकल के हम सेफली बाहर ला पाएंगे। जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने जो लिस्ट दी है जो उनके काम कर रहे थे फाइनल, उन्होंने बोला 39 अंदर है। नीरू मैम आप पहले दिन से, मैं देख रहा हूँ, मैं पहले दिन से हूँ, आपको भी मैं देखता हूँ, लगातार आप यहाँ पर मौजूद रहती है, अभी हम कितना आगे बढ़ पाए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, पिछले आज पांचवा दिन है, चार दिन निकल गए। देखिए आप देख रहे हैं कि हमारी अपनी पुलिस फोर्स, SDRF, NDRF, ITBP, आर्मी, सभी फोर्सेस कोऑर्डिनेट रूप से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आगे पहुंच पाएं। शुरू में स्पीड अच्छा था लेकिन बाद में शायद थोड़ा वो लिक्विड ही हो गया, तो मग जितना हम क्लियर कर रहे हैं उतना अंदर से ज़्यादा आता जा रहा है। तो अभी हम एग्जैक्ट कितना है मेजर करना पड़ेगा, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर पहुँच गए थे जहाँ पर नीचे SFT टनल था और उसमें उम्मीद थी, तो हमने एक प्रयास किया कि शायद हम वहाँ पर तक पहुँच पाएँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं कि नीचे स्लश है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है, प्रयास जारी रहेगा, जितना आगे हम पहुंचते हैं प्रोबेबिलिटी है कि 180 मीटर के पास शायद वो लोग मिल जाए। कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आज पूरा देश, सर एक सेकंड, आज पूरा देश ना सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, लोग यही जानना चाहते हैं कि कितने और दिन का इंतजार, कितने और घंटे का इंतजार, एक एप्रोक्सीमेट कुछ बताइए। देखिए इसमें तो आप let the NTPC take na samay lagega, depends on how much technical question, it depends on how much slush, how much mud is there inside the tunnel, sir cameras ko, we are not technical person, hum log jaise jaise situation evolve hota ja raha hai uske hisab se hum log kar rahe hain। dekhiye isme abhi andar kya sthiti hai na to hum jante hain, prashasan janta hai ना, जो हमारे फोर्सेज आई हैं यहाँ पर उनके जो रेस्क्यूअर्स हैं वो जानते हैं ना, NTPC वाले भी जानते हैं। जो कार्रवाई हो रही है ये प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे हो रही है। अल्टीमेटली अगर मेरे पास रिसोर्सेज है और मेरे पास बहुत लिमिटेड स्कोप है जाने का और वो जो करने का, तो मैं प्रयास वहीं करूँगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मुझे अलाइव लोगों के मिलने का और ज़्यादा लोगों के मिलने का। तो जैसे जैसे हमारे पास सूचना आ रही है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोकल लेबरर्स हैं, लोकल वर्कर्स हैं जो यहाँ काम करते थे, बिकॉज उस दिन संडे था, थैंकफुली उस दिन वो सब नहीं आए, तो उनसे हमें जो सूचना मिलती है कि साहब ये ज़्यादातर यहाँ बैठते थे, यहाँ काम करते थे, ये करते थे, तो जैसे जैसे सूचना में मिल रही है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी भी हमारी इवॉल्व हो रही है। तो जब ये सूचना हमारे पास थी कि साहब ज़्यादा चांसेस जो हैं ये SFT टनल में है, तो SFT टनल के हिसाब से ये जैसा अभी DIG मैडम ने भी बताया आपको, एक प्रयास किया गया है और बहुत जेन्युइन प्रयास किया गया है, रात से लगे हैं इसमें लगातार, लेकिन जैसे अभी आपको NTPC के ऑफिशियल्स ने बताया है उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं उसमें, और ये किए जाने से पहले ये संभव नहीं था मालूम होना। तो जैसे जैसे काम कर रहे हैं पता चल रहा है, जैसे आपने बताया कि आप फर्दर करते हैं तो जो हमारा आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं बाधित ना हो जाए, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो हमारा ये लगातार जारी रहेगा, ये चलता रहेगा, मग जो निकाल रहे हैं हम लोग उसको लगातार निकालते रहेंगे। और प्रयास हमारा ये रहेगा कि अब जो हमारा 180 मीटर्स है जहाँ तक पहुँच के, जो एक उसका एक डाइवर्जन टनल है जो लगभग 3 मीटर का है और 90-95 मीटर का है अप्रोक्स, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, हम नहीं कह सकते। देखिए हम भी नहीं कह सकते उसमें, क्योंकि जैसा अभी बताया गया है कि जब निकाल रहे हैं मग तो और मग निकल रहा है, आगे टनल की क्या स्थिति है ये पता नहीं, इसलिए इनकी इंजीनियर्स भी हमारे जो रेस्क्यूअर्स उनके साथ लगातार लगे हुए हैं, वो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं
ड्रोन्स हमारी जा रही हैं, हमारी जो जो कैमराज हैं उसको लगाकर हमारी जो लोग हैं उसके बाद में जो जवान हैं वो चढ़ के जाके देख रहे हैं। फिर जैसी जैसी स्थिति बन रही है उसके साथ साथ ही हम लोग आगे धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू के साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनकी भी सेफ्टी हमारा कंसर्न है, तो उसी हिसाब से हम जा रहे हैं। इसलिए समय के बारे में इस समय कुछ नहीं कहा। देखिए काम करने के लिए अंदर तो गाड़ी जाता ही है, अंदर का गाड़ी मशीनें सारे उसमें मक में दलदल में फंस गए। हमारा बाहर में जितने मशीन्स थी 90% वर्स्ट आउट, ये मेरा एक बड़ा हैंडीकैप हो गया। आपने पूछा था ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिलना है कि नहीं, ये जो 90% के ऊपर मशीन वॉश आउट होने के बाद भी हम जो ये काम कर पा रहा है, ये 90% के आसपास मशीन वॉश आउट होने के बाद भी जो काम चल रहा है शुरू से ही, उसके पीछे क्या राज है? राज की बात यही है, इमीडिएटली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट केम इन फुल सपोर्ट ऑफ अस, एंड आप देखिए स्टैंड बाई मशीन भी मेरे लिए खड़ा है अभी, ये सब आया है स्टेट। देखिए जितना मोबिलाइजेशन है मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिकॉर्ड टाइम में हुआ है ये पूरा मोबिलाइजेशन इस तरह की आपदा के लिए, जो संडे की ही शाम के इवनिंग टाइम तक सारा ही मोबिलाइजेशन यहाँ हो गया था। इस तरह का मोबिलाइजेशन कम से कम मेरी जानकारी में जितना समय मैंने अभी यहाँ सर्व किया है, केदारनाथ आपदा के समय भी मैं वहाँ पे रिलीफ कमिश्नर था, इतना कभी पहले इस तरह का प्रयास नहीं हुआ है। तो इतना जो मोबिलाइजेशन यहाँ पर हुआ है सारा प्रयास हो रहा है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि इस समय भी हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और जैसी जैसी स्थितियाँ अभी उत्पन्न हो रही है उसी के हिसाब से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी। उसके लिए सर यहाँ पे सर यहाँ पे कुछ लोगों ने भी बताया था कि बहुत ही यहाँ पे जो हमारी रैनी साइट थी वहाँ पे भी हमें 4 बॉडीज मिली इसी के दौरान। उसके अलावा भी एक पॉइंट बताया था यहाँ के लोकल जो तपोवन प्रधान है और यहाँ के कुछ लोकल्स ने कि उन्होंने वहाँ देखा था, वहाँ के लिए भी हमने 2 एक्सकवेटर, 1 तहसीलदार और यहाँ के एक साइट इंजीनियर उन सबको भेज दिया। उन्होंने भी हमें कल शाम को भी फोटोज़ भेजी, वहाँ पर काम करना शुरू हो गया, वहाँ पर भी हम लोग साइमल्टेनियसली ट्राई कर रहे हैं। तीसरी चीज़ श्रीनगर डैम में ये हमें इनपुट मिले कि हो सकता है यहाँ से बहकर वहाँ चली गई हो। तो हमारे जो मरीन कमांडोज आए थे उनकी एक टुकड़ी 16 लोगों की थी, उनमें से 8 या 9 लोग वहाँ पे अपने कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स वहाँ के DM से भी हम लोगों ने टाई अप करके उनको दिया है, वो भी 2 दिन से वहीं पर रेकी कर रहे हैं कि शायद वहाँ से भी कुछ बॉडीज़ मिल जाएँ। तो वी आर ट्राइंग इट। और इसके अलावा SDRF की अलग अलग टुकड़ियाँ अलग अलग जगह पर टीम्स बनी हुई हैं, वो भी नदी के किनारे चल चल कर वहाँ पर भी बॉडी का प्रयास कर रही हैं ढूंढने का। वहीं से ये सब बॉडीज़ अभी जो मिल रही हैं 35 यहाँ से तो अब नहीं मिल रही हैं, ये सब वहीं से मिल रही हैं। तो हर फ्रंट पे काम चल रहा है। मैम एक सवाल आपसे, क्योंकि उसका जवाब आप ही दे सकती हैं क्योंकि जितनी भी टीमें काम कर रही हैं सब आपको रिपोर्ट कर रही होंगी कि अभी बहुत सारी जगहों से खबरें ऐसी आई हैं अखबार से और सोशल मीडिया से कि अभी खतरा हो सकता है किसी भी वक्त, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसा भी आने वाले दिनों में संभव हो सकता है कोई खतरा आने वाला है क्योंकि ऊपर मड है, ऊपर कीचड़ है, पानी जमा है, इस पर कुछ आप बता पाएंगे देश को? मैं कुछ नहीं, जैसे कमिश्नर सर ने ऑलरेडी बताया, अगेन दिस इज स्पेकुलेशंस है, स्पेकुलेशंस पे हम लोग बात वो नहीं है, कोई भी जो ऑथेंटिक तरीके से कहा जा सकता है वो कोई डेटा के बेसिस पे, कोई प्रॉपर जो साइंटिफिक स्टडी है या साइंटिफिक जो इनपुट है उसके बेसिस पे कहा जा सकता है। जैसा मैंने कहा है कि जो आप बता रहे हैं इस अप्रीहेंशन पे सारे अभी जो जितने जियोलॉजिस्ट हमारे 3 टीमें अभी ऑलरेडी जो वाडिया इंस्टीट्यूट के, हमारे जो इंडियन रिमोट सेंसिंग के और भी जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ के और जो दिल्ली से हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे वहाँ पर जाकर देख रहे हैं इसका जो, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेजेस हैं जो भी इनपुट होगा इन सब के बेसिस पे जो भी उसमें प्रिकॉशंस लिए जाने होंगे वो सारे हर संभव प्रिकॉशंस जो है वो लिए सर। एक सवाल ये है कि 6 किलोमीटर पर पहला ऋषि गंगा प्रोजेक्ट धराशायी होता है, उसके बाद यहाँ तक वो प्रोजेक्ट का मलबा आता है, लेकिन कोई अलार्म अगर वहाँ बजा होता इन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बीच में कोई कनेक्टिविटी ऐसी या कोई अलार्म ऐसा होता तो यहाँ के लोग बच सकते थे, क्योंकि इतना समय उसे यहाँ आने में लगा और यहाँ पर सर ने बताया कि 2 घंटे में उनकी रेस्क्यू टीम जो यहाँ पर होती है क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने लोग काम कर रहे हैं, बचाने की कवायद में कहने की लापरवाही हुई है, इसके लिए कोई एक्शन आप लोग किसी के खिलाफ लेंगे? अभी ये तो बहुत प्रीमेच्योर है, इस तरह की बात अभी नहीं कही जा सकती है। जैसे आप अलार्म सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पूरा ऋषिगंगा प्रोजेक्ट ही बह गया है, तो वहाँ पे सूचना आ रही पानी बढ़ रहा है। तो ये SDRF की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, तमाम जो SDRF के
टीम के लोग वो ये बताते हुए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो बड़ी खबर है वो यही है कि पानी बढ़ रहा है और ये कहा गया एसडीआरएफ की तरफ से कि सभी टीमें फिलहाल सुरक्षित हैं। जानकारी ये भी कि टनल की तरफ दरअसल नदी जुड़ गई है और वहां से पानी आगे बढ़ रहा है, इसलिए रेस्क्यू के काम को फिलहाल रोक दिया गया है। दो सहयोगी हमारे साथ लगातार वहां पर मौजूद हैं। दीपक बिष्ट, आपके पास सबसे पहले आते हुए, अभी वहां पर क्या हलचल? एसडीआरएफ की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? फिलहाल जो जानकारी, जो कॉल के अलर्ट और अलर्ट के बीच पानी बढ़ रहा है। देखिए, सबसे पहले गायत्री मैं ये बता दूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें एसडीआरएफ नहीं थी, बल्कि जो उच्च अधिकारी थे, चाहे वो कमिश्नर जो आयुक्त थे वो थे, और उसके साथ ही जिलाधिकारी स्वाति थी, और उनके साथ ही एनटीपीसी के अधिकारी थे, जो ऑफिशियल्स थे। इन सब की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस थी जिसके बाद सबने अपनी अपनी राय दी और ये बताया गया कि कैसे इस प्रोजेक्ट में अब तक का काम हुआ है। और अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हुई थी उसी दौरान अलर्ट आ गया था और उसके बाद यहाँ पर पूरी अफरा तफरी मच चुकी थी। उनका ये कहना था कि जो एनटीपीसी अधिकारियों ने अपनी सफाई इसमें दी है कि उनके जो कामगार, जितने लोग अंदर फंसे हुए थे, जो अभी तक उनकी जानकारी मिली है, वो लोग पूरे ट्रेंड होते हैं और जब सुबह 9 बजे यहाँ ब्रीफिंग होती है उसमें सबको बताया जाता है कि अंदर जाने का जोखिम है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है। हमने ये सवाल भी पूछा था कमिश्नर से और उनका यही कहना था कि अभी अलर्ट और लापरवाही चीजें जो है एक तरफ। दीपक, लौटेंगे आपके पास। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा को मोड़ दें, ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 13 फरवरी को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। 3 जीनियस एक साथ, तीनों आज के आर्यभट्ट कहे जा रहे हैं। सिर्फ 11 साल का जयादित्य शेट्टी मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है क्योंकि उसके नाम दो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियार्ड टर्की ओपन खिताब जीता और उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है। सिर्फ 15 साल का चिराग राठी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गरीब परिवार का विलक्षण बच्चा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला चिराग नंबर किंग है। 20 करोड़ तक कोई भी नंबरों का जोड़ घटाना मल्टीप्लाई करना कैलकुलेटर से भी तेज करता है वो। 100 करोड़ तक के पहाड़े उसकी जुबान पर हैं, पलक झपकते ही स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। वहीं मुंबई की सिर्फ 10 साल की अवंतिका कामली भी मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स अवार्ड जीता। अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली को सुलझा चुकी है। मेंटल मैथ्स के ये तीनों गुरु एक साथ एक जगह होंगे और वो मंच होगा बायजूस यंग जीनियस का। 3 मैथ्स गुरुओं का हुनर देखिए 13 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर।